नाज़रीन और नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात, ख्वातीन और हज़रात, हदायत टेलीविज़न पर गदाए अहले बैत सैयद अली शाह हुसैन अपील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्फे के बाद मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इज़्ज़त माँ मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद अब्बास आबदी साहब, और हम आपसे अपने लिए नहीं, ख़ानदान के लिए नहीं, मौलाना साहब के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं कि हमें सिवाय खुदा के किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और ख़ास तौर पे दुनियावी चीज़ों के लिए तो हमने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और कोशिश की है कि खुदा से भी मांगे तो हमेशा यही मांगे या अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और एहतराम अता फरमा, कि तेरा वादा है कि रिज़्क तो तुमने हर शख्स को चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम उसको देना ही देना है, तो वो तो हमने कभी अल्लाह ताला से भी इस तरह नहीं मांगा जिस तरह हम आपके सामने हाथ फैलाकर अपने लिए नहीं उसके लिए मांग रहे हैं जिसके ऊपर हमें एतबार है कि जब कल ज़रूरत पड़ेगी तो वही हमारा शाफी माशर होगा, उसी की शफात से और उसी के जद की शफात से और उसी की जद्दा की शफात से और उन्हीं की शफात से मेरा आपका और हम सब का बेड़ा पार लगने वाला है। एक मिसाल आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ, बहुत मुद्दतों की बात है। एक शख्स नहायत ही बखील था, इतना बखील था कि उसकी कोई हद ही नहीं थी बुखालत की, और जितना वो बखील था अल्लाह ताला ने उसके ऊपर उतना ही करम किया हुआ था, उसके ऊपर रहमतों की उतनी ही बारिश थी। वो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। शाह साहब इजाज़ शान करबलाई जनाब, करबलाई साहब माशाल्लाह, मौला सलामत रखे, किबला साहब की खिदमत में भी सलाम। मैंने अपनी जो हिस्सा था वो मैंने डाला है, तो मेरे दिल में एक आया है, बात आई है, वो किबला साहब के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी इस्तदा है कि मैं किबला साहब के अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हदायत के लिए, और 1,24,000 साहबा कराम थे जो गदीर के मकाम में मन कुंत मौला फहादा अली मौला का पैगाम सुन रहे थे। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि अगर 1,24,000 आदमी इंसान इस वक्त 1-1 सौ पाउंड दे दें एक एक नबी के नाम पर, एक एक साहबा के नाम पर, तो इंशाल्लाह ताला ये हक का पैगाम बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। तो अगर वो अपनी तौफीक में जरा सी मोहब्बत उजागर करें, जो कि अल्लाह ने उनको रिज़्क दिया है, हम सबको रिज़्क दिया है, तो हम यूके में बैठे हैं, तो थोड़ा सा अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, शैतान की तरफ ना जाएं कि हमारी रिज़्क में कमी हो जाएगी, शैतान कमी की तरफ ले जाता है। तो 1,24,000 पैगंबर की वजह और 1,24,000 साहबा कराम जो है उनमें एक एक आदमी 1,00,000 मोमन मुसलमान हिदायत टीवी को 100 पाउंड दे दे, तो ये अल्लाह ताला का करम है और बहुत ही जल्द ये मुश्किलात आसान हो जाएगी। ये मेरा एक पैगाम, मेरी दिल की हसरत थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम बढ़ चढ़ कर मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में हिस्सा ले सके। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे इजाज़ हुसैन करबलाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सैयद बादशाह, और सैयद सरकार को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सैयद सरकार, मैं सैयद सरकार को तकरीबन जब से हदायत खुला है तो मेरी इनसे पहले एक मुलाकात है मेरी, लेकिन इनसे बात फोन पे होती रहती है मेरी, और हदायत टीवी में देखता रहता हूँ। अंकल के तकाजे के साथ अगर सोचा जाए तो हदायत टीवी शुरू ही से खसारे में चल रहा है जी। तो जो चीज खसारे में पहले दिन से आज दिन तक चल रही है, उससे इन पर जो इल्जाम किसी ने अगर लगाया है तो वो झूठ का पलंदा है। ये सैयद जो बाहर से नजर आते हैं अंदर से भी वही हैं, जितना मैं इनको समझता हूँ या समझा हूँ कि इस सैयद के पास जो बात है वो बात सीधी और साफ है, उसमें कोई दूसरी मतलब दोहरापन नहीं होता। तो ये इल्जाम जो इन पर लगाया गया है, मैं उसके नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी ये इल्जाम लगाया है ये गलत है, क्योंकि सैयद मौलाना अब्बास आबदी साहब से जो मेरी बात होती रहती है, खुले दिल से मैं बात इनसे कर लेता हूँ, लेकिन जब भी होता है इनके अंदर मैंने दोहरापन नहीं पाया। अल्लाह आपको तो जो बात इन्होंने कही है
एज ए मुसलमान होने और मोमन होने के नाते में इनकी बात पे 100% यकीन करता हूँ, और जिन मेरे बहन भाइयों को अगर मगालता है भी तो वो अपना दिल और दिमाग इस बात से साफ कर लेंगे, ये असद के सिवा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया, बहुत मत रखे, बुजुर्गों की दुआएं हैं और इन बुजुर्गों की लगातार शफकतें हैं जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हमेशा हम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त को ही अपनी इज़्ज़त समझते हैं, और बुज़ुर्गों का जो वाकई भी ईमान है वो काश हर उस आदमी को मिल जाए कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई शरारत का अंसुर पाया जाता है, ताकि हर मोमिन, हम तो चाहते हैं वो आदमी भी क्यों अजाब में जाए। चलिए कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन कहाँ से? जी मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी कौन बोल रहा है? सिस्टर हमारे। जी 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 मेरी बहन फरमाइए। जी आप भी एक डोनेशन में हिस्सा डालना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लाना साहब को आपको आयमा मासूमीन की बहुत बहुत औलादत मुबारक हो। खैर मुबारक, अल्लाह आपको भी मुबारक करे। और मैं तो सोचती हूँ कि मौलाना साहब कोई मोहम्मद बंदा हो ना, तो जैसे आप लोग सफाइयाँ दे रहे हैं, कोई मोहम्मद बंदा हो तो वो तो उसका दिल तो इतना सोच नहीं सकती कि कैसे लोग हैं कि उनका दिल नहीं पिघलगा। जी बहन, अगर आप पीछे टेलीविजन की आवाज बंद कर दें तो बात जल्दी भी होगी और बेहतर भी होगी। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैं तो टीवी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि तुम भी ये बादे मुखालिफ से ना घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मौलाना साहब मैं इंशाल्लाह केक के पैसे भी भेजने हैं, तो इसमें जज़ाकअल्लाह। बेटे मेरे की बर्थडे है, वो 170 पाउंड भी भेजूंगी। मौला आपको सलामत रखे। मिसेस खालिद है, हमेशा हिदायत टीवी की सपोर्ट करती हैं। फिलहाल मैं 100 पाउंड कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं सारा मिला के 500 कर दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात है। देखिए ना, इस तरह होती है नियत, और इस तरह होता है। बच्चों के लिए क्यों नहीं, क्यों नहीं। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे हर परेशानी से, नागहानी हादसे से और मुसीबत से, तमाम को, खासकर आपके बच्चों को अल्लाह सुब्हान इलाही आमीन नजात अता फरमाए। मेरे वालिद साहब की बरसी है, उनके लिए मगफिरत की दुआ। जरूर जरूर जरूर, अल्लाह आपके वालिद मरहूम की मगफिरत फरमाए, जवार रहमत में जगह इनायत फरमाए, और उन्हें आज की शब खुशियां नसीब फरमाए। और आपने जो नियत की है ना, इसका बड़ा असर होता है, ये जिंदों पर भी होता है। इंशाल्लाह हमने नोट कर लिया है, हमने मिसेस खालिद आपका सिस्टर 500 पाउंड का ही अतिया लिखा हुआ है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, 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 बहुत शुक्रिया मिसेस, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये सारी जितने भी हम विलादत की केक्स यहाँ पर लाते हैं, मिसेस खालिद हैं जो स्पॉन्सर करती हैं, और शुरू से ही हिदायत की सपोर्ट करने वाली हैं। हम इनके घर भी गए, इन्होंने एक दफ़ा बुलाया था, और मुख्तसर मजलिस भी उनके घर में हमने पढ़ी है। तो ये वो होते हैं कि जो दिल से नेकी के कामों में हिस्सा लेते हैं, और बाज होते हैं कि जो सिर्फ शरारत ही करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी तो मिस्टर खालिद बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही जिक्र कर रहा था और बात यही चल रही थी कि अल्लाह ताला ने उस बखील के ऊपर, जितना बखील था, जिस कदर सोचा जा सकता है उससे भी ज़्यादा वो बखील था, और अल्लाह ने उस पर रहमतें इतनी नाजिल की थी कि जितना सोचा जा सकता है उससे ज़्यादा उस पर रहमतें थी। ढेरों माल था उसके पास, रास्ते में जा रहा था, आगे से एक दरवेश मिला, उसने कहा भाई तुम बड़े अमीर कबीर आदमी हो, कुछ अल्लाह के राह के ऊपर मुझे अनायत करो, कुछ अल्लाह के राह पे दे दो। उसने कहा कि भाई मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई ये सोना चांदी जेवरात, ये सब कुछ, ये माल, ये बादशाहत, ये सब। उसने कहा ये तो सब कुछ मेरी औलाद का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा भाई अच्छा, ये सब कुछ तुम्हारी औलाद का है। तो रास्ते में उसके बिल्कुल ऐन सामने, क्योंकि रास्ते में था, एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा किसी के जूते से टूट कर गिरा हुआ था। उसने कहा अच्छा भाई अल्लाह के नाम पे यही दे दो। उसने कहा इसमें मेरा क्या जाता है। उस आदमी ने, उस बखील ने ज़मीन पर से वो जूते का टुकड़ा जो चमड़े का किसी का रह गया हुआ था उठाया और उस आदमी को दे दिया, और वो
फकीर उसको दुआएं देता हुआ चला गया। ये अपने घर जाके आराम से सो गया और ख्वाब में क्या देखता है कि ये फौत हो गया, इसकी ज़िंदगी का दिया बुझ गया है और औलाद ने उसको वही कफन दफन जो सबको मैसर होना है, दो चादरें और वही सवागत ज़मीन, उसमें जाकर दफना दिया। और क्या देखता है कि अब उस ज़मीन में हर तरफ से मुख्तलिफ किस्म के हशरात अल अरज, सांप, ठूँएँ और दूसरी चीज़ें लपक रही हैं और उसको काटना चाहती हैं। और वो जिस भी सुराख की तरफ से वो आती हैं, कोई ख़ास एक छोटी सी चीज़ है, वो उनके आगे आ जाती है और वो सांप, ठूँएँ और वो तमाम हशरात अल अर्ज़ जो उसको काटना चाहते हैं उससे टकरा कर वापस चले जाते हैं। और ये तमाशा उस वक्त तक चलता रहा कि अचानक दहशत से और खौफ से उसकी आँख खुल गई, घबरा के उठ कर बैठा, पसीने पसीने था, देखता है कि सुबह का वक्त हो गया। उसकी हालत देखकर उसकी बीवी भी उठ बैठी और घर वाले भी सारे परेशान हो गए। इसी तरह सुबह हो गई, दिन निकल आया, वो बाहर निकला। बाहर निकला तो वही दरवेश फिर माथे पर आ गया, फिर सामने आ गया और उसने कहा कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? उसने कहा मुझे तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन एक अजीब परेशान ख्वाब देखा है कि मैं मर गया हूँ और एक जगह दफन हूँ और सांप और ठुएँ हैं जो मेरे ऊपर काटने के लिए लपक रहे हैं, मगर कोई छोटा सी कोई चीज़ है जो उनके सामने आ जाती है और मैं उसे बच जाता हूँ। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि ऐ बदबخت इंसान, ये वही चमड़े का जूते का एक छोटा सा टुकड़ा है जो तुमने मुझे अल्लाह की राह के ऊपर दे दिया था और दिल से दिया था और ये सोच के दिया था कि अल्लाह का राह में दे देता हूँ, मेरी इससे सेहत पर क्या असर पड़ता है। इस एक टुकड़े ने तुम्हें उस तमाम अजाब से जो ज़िंदगी में तुम्हें तुमने कमाया है, तुम्हें मरने की बाद तुम्हें बचाया है इस एक छोटे से टुकड़े में। तो नाजरीन और नाजरा सोचिए, एक जूते का टुकड़ा एक बखी को कैसे बचा सकता है। तो जो आप इतना कुछ इमाम की राह में दें तो फिर जन्नत आपके कदमों में क्यों ना हो। और अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक और शफात महमद के मुताबिक आप उस जगह पर क्यों ना जाएं जहां पर दूसरे अल्फाज में हम मकाम महमूद भी कह सकते हैं कि आपका मकाम महमूद, जैसे हम रसूल के लिए कहते हैं, वहां पर आपको यही चीज़ें पहुंचाएंगी जो आप अल्लाह की राह में देंगे। कि अल्लाह ताला कहता है कि आप मुझ पर एहसान करो, वो क्या एहसान है? मौलाना साहब की तरफ चलते हैं कि वो एहसान क्या है। अल्लाह सुभान व तआला ने खाली बात एहसान की नहीं है, अजीब बात है कि जो कायनात को चलाने वाला है वो कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सुभान अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह की मदद, हम अल्लाह की मदद कर सकते हैं भाई, सब कुछ तो उसका है। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह ने ये कह के बताया कि अगर हम शान भाई आप और हम रात के इस पहर बैठ के मांग रहे हैं तो हमको शर्मिंदा नहीं होना है। बेशक जब अल्लाह भी मदद मांग रहा है, बेशक सुभान अल्लाह, हमारी क्या हैसियत, वाह वाह, किस लिए मांग रहा है वो, उसके लिए वो बेनियाज है, सुभान अल्लाह, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। जी कॉल को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी ठीक से बात करना था। जी आप बिल्कुल हदायत टीवी पर लाइव हैं और किबला आपको सुन रहे हैं और मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम, फरमाइए आज की अपील के हवाले से, कौन साहब हैं, कहाँ से और क्या कहें? मैं स्वीडन स्टॉकहोम से बोल रहा हूँ, शरीफ। शरीफ साहब जी, माशाल्लाह। जी जी जी, ये बहुत अफसोस हुआ जो मौलाना पे यार ये तोहमत लगा रहे मेरे शिया भाई। जी अब क्या कह सकते हैं, इसीलिए मैंने आज आप सब की मौजूदगी में बिला खौफ व खतर मौलाना साहब से सवाल करके उनसे जवाब लिया है, ताकि तमाम लोग जो जो टेक्स्ट मैसेजेस में और इस तरह की बातें करते हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचे तो उन्हें कुछ शर्मिंदगी नहीं, लोग अपने नियत के मुताबिक दे, आगे क्या होता है वो सोचने नहीं चाहिए। जी जी जी, माशाल्लाह, लोगों का नियत क्या है वो अपनी नियत के हिसाब से आप दे दें, आगे क्या होता है, किस हिसाब से खर्च होता है वो तो वो जाने, अल्लाह जाने। बेशक, लेकिन वो नहीं सोचते जिस मकसद के लिए दे दिया वो पूरा हो गया। हजूर शरीफ साहब, ये वो बातें करते हैं जो देते नहीं है, जो देते हैं वो तो कभी ये पूछते भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमने अल्लाह की राह में दिया है, किसी से पूछने के लिए नहीं दिया, पूछते वो हैं जो देते नहीं है। बस अफसोस, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह सुबह 200 करोड़ आपके अकाउंट में डाल दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और स्टॉकहोम के लोगों से भी बोलता हूँ जरा जागे और हिम्मत करे, फोन करे। जी देखिए शरीफ साहब, ये इंग्लैंड पे नहीं छोड़े। जी हाँ जी जी, माशाल्लाह
शरीफ साहब, ये हमारा और आप सबका एक छोटा सा इम्तिहान है। देखिए, जहाँ पर इमाम ज़माना 32,000 पाउंड इंतज़ाम कर सकते हैं, अल्लाह ताला 32,000 पाउंड का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो 12-13,000 भी तो कोई चीज़ नहीं है। मगर फिर इंसान का इम्तिहान भी तो है ना, कि साबित कर, खसारे में रहने वाले साबित करो, और साबित करने के लिए और आपसे सवाल करने के लिए तो हम बैठे हैं और इमाम जमा देख रहे हैं कि कौन सुन रहा है, किस पे असर हो रहा है। अफसोस होते हैं, आप जी साहब बैठे हैं और ये थोड़े से उसके लिए तैयार, बहुत अफसोस की बात। जी, मौला आपको सलामत रखे। शरीफ साहब, मैं आपकी खिदमत में ये बता दूं कि हमने जब इस पुरखार राह में कदम रखा था तो उस सर पे भी कफन बांधा था और अपने इरादे को इतना मजबूत किया था कि जैसे गाड़ी लोग जो है ना अपनी जान बचाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखते हैं ना, हमने अपने ईमान को इतना मजबूत कर दिया कि अब हम तोहमत प्रूफ हो गए हैं। इन्हें तोहमतें लगाते रहे, हम पर कोई असर नहीं होता। बहुत खूबसूरत एक मुहावरा, उस मुहावरे के बाद मैं काफ़ी और मजबूत हो गया। कहते हैं कि हाथी चला बावकार, कुत्ते भौंके हज़ार। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाविकार है वो चल रहा है, अपने काम कर रहा है, अल्लाह उसको तौफीक दे के जो उसकी राह में काम कर रहा है उसको परवाह नहीं होती। इस तरह के जो शरीर लोग तोहमतें लगाते हैं वो खुद उसमें गुनहगार होते हैं। हम ये भी नहीं चाहते, हम कभी कभी सोचते हैं परवरदिगार उनको भी तो माफ़ कर दे कि जो हमें बिला वजह जो है ना इल्ज़ाम दे करके खुद गुनहगार बन रहे हैं। बेशक बेशक जी, हम तो नहीं चाहते, हम तो सबके हक में दुआगो हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इनको हिदायत दे, बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे एक मुसाफिर है मोहम्मद हुसैन, उसके लिए दुआ करें। अल्लाह उस आपके मुसाफिर भाई मोहम्मद हुसैन को अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, उनकी हर परेशानी को नजात अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आका जी, हम बता रहे थे कि अल्लाह सुब्हान तआला खुद मांग रहे हैं लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो बेनियाज, वो समद है, अल्लाह समद, बेनियाज, ऐसा कि किसी भी चीज हत्ता इबादत का वो, वाह 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 वाह, आप इबादत करें अपने लिए करें, उसके लिए नहीं, कोई, सारे फरिश्ते, बल्कि अल्लाह फरमाता अगर पूरी दुनिया भी उसके मुनकिर होती तो कि उसकी कुदरत में कोई कमी आ जाती, जरा बराबर कमी नहीं आती। वो ऐसा कायम बेजात है और ऐसा समद है, बेनियाज है कि उसको, लेकिन वो क्या कह रहा है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करो, यंसुरकुम, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि तुम जो दीन के काम में कुछ खर्च करोगे तो यूं समझो कि अल्लाह की तुम मदद कर रहे हो, जबकि बेनियाज है खुदा, किसी का वो मोहताज नहीं है। हम भी अगर मांगते हैं ना तो हम उसके बंदे हकीकत में खुद मोहताज भी हैं, और हम वो बड़ी बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लिए क्यों मांगें, हम क्यों अपनी जात को अहमियत दें, उसके मिशन के लिए हर कोई मांगे। और ये कि ये वो इबादत है कि जिस इबादत से बहुत कम लोग आशना है जी। बेशक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन और नाज़रात, टेलीफोन लाइंस आपके इंतज़ार में हैं और हम आपके सामने इस वक्त बैठे हैं। वही बात एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा कि तकरीबन 46,840 pounds 20 pence ये है वो अखराजात जो इमाम ज़मान का चैनल चलाने के लिए हर माह आपके अतियात इमाम ज़मान को दरकार हैं, और इमाम ज़मान ने अल्लाह ताला के हुक्म से इसमें से 32,900 यानी 32,900 तकरीबन 33,000 pounds का एहतमाम इंतज़ाम कर रखा है, और उसके बाद 13,000 pounds का सारा जो इस दोनों के दरमियान रह जाता है उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी मुसलमान मौजूद हैं, मुसलमान नहीं, मोमिन मौजूद हैं, नहीं मोमिन नहीं, फिकह जाफरिया मौजूद है, वो लोग जिनका दावा है कि हुसैन हमारा है, वो दावा जिनका दावा है कि अली हमारे हैं, वो दावा जिनका दावा है कि 14 मासूमीन हमारे हैं, वो दावा जिनका दावा ये है कि यही वो सीधा एक रास्ता है जो हमें सीधा अल्लाह ताला की तरफ सिरात मुस्तकीम पर ले जाकर ले जाएगा और हम अल्लाह के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, और इस
के दरमियान जो 13,000 के पाउंड का फर्क है, अगर आप 14 पाउंड महाना, एक बंदा 14 पाउंड महाना दे, तो ये सिर्फ हमारे पास 1,000 आदमी, यानी सिर्फ 1,000 पूरी दुनिया में से मोमिन चाहिए इस वक्त, वो मोमिन जो सिर्फ 14 पाउंड, सिर्फ 14 पाउंड का आज इस वक्त रात के इस पहर में, जबकि अल्लाह ताला की रहमतें ही सिर्फ बाकी रह जाती है, इस वक्त सिर्फ 2 लोग ही जागते हैं, या वो जो बुराई की तरफ गामजन हैं, वो इस वक्त बुराई की इंतहा पे हैं, इस वक्त नशे की इंतहा पे हैं, या फिर इस वक्त वो जाग रहे हैं जो तहज्जुद के लिए तैयारी करते हैं, जो इबादत के लिए तैयारी करते हैं, इसीलिए इस वक्त हमें वही सुन रहे हैं जो इबादत के लिए बैठे हैं, जो इस टेलीविजन को इबादत समझ कर सुनते हैं, और उन्हीं के लिए, उन्हीं की खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ 1,000 मोमिन आज इस वक्त पूरी दुनिया में से, करोड़ों अरबों की दुनिया में से ये तहिया कर लें कि हमने 14 पाउंड हदायत टेलीविजन को, यानी इमाम ज़माना को अरसाल करना है हर महीने, तो फिर हम आपको यहाँ रात के इस पहर मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए भीख मांगते दिखाई नहीं देंगे, बल्कि हम अपना ये वक्त, मैं अपील करने वालों में से तो नहीं हूँ, मैं तो एक प्रेजेंटर हूँ, और प्रेजेंटर भी वो जो आपके पास सबरस प्रोग्राम लेकर आता है, सबरस प्रोग्राम वो जिसमें मैं पूरी दुनिया के अंदर से पढ़े लिखे लोगों को लेकर एक फलसफियाना अंदाज में एक अपने ही तरीके से प्रोग्राम पेश करता हूँ, जो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये भी कोई अपीलें करने वाले आलम तो नहीं, ये वो आलम है जो सुबह से शाम तक रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके फिका जाफरिया के ऊपर, और फिका जाफरिया नहीं, ख़ानदान तहारत के ऊपर हमला करने वालों को जवाब देने के लिए किताबों के अंदर अर्क रेजी करके, और पता नहीं कहाँ कहाँ की तारीख निकाल कर, हकीकतों को निकाल कर सामने लाते हैं, और फिर उनका दिफा करते हैं। ये वो शख्सियात है जो दावा करती हैं कीजिए सवाल, ताकि आपके हर सवाल का आपको जवाब दिया जाए। इनके औकात बहुत ही कीमती हैं, मगर ये हमारी नालायकी है कि हमने अपने इन औकात को इनसे छीन कर अपीले करने के लिए मुख्तस कर दिया है, और ये इस वक्त बैठे मेरे साथ आपको देख रहे हैं, और हमारे साथ साथ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं शानदार बोल रही हूँ ताजपुर से। जी सनायद, मैं 14 पाउंड माना देना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, टेलीफोन से नंबर लिख लें जी, और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर देना। जरूर जी, जरूर, बहुत जरूर जी। अल्लाह ताला मौलाना साहब से कहूँगा कि आपके लिए दुआ करें, इस बच्ची को भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इनको तरक्की के राह पर गामजन रखे, इनकी सारी फैमिली को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर परेशानी से महफूज रखे, और रिस्क हलाल से माला माल फरमाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साहब की, ये हमारी कोई छोटी सी बहन, कोई हमारी छोटी सी बेटी, कोई हमारी छोटी सी बच्ची है, जिसने मौला को कहा लब्बैक या हुसैन, और हम चाह रहे हैं कि आप जो मेरे जैसे बुज़ुर्ग भी हैं, और वो जो मुझसे छोटे भी हैं, और वो जो मुझसे बड़े भी हैं, वो मेरी बहनें जो इस वक्त इबादत के लिए जाग रही हैं, या मेरी वो बहनें जो अभी घर के काम ख़त्म कर चुकी हैं, या वो मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरी बेटियाँ जो अपने इम्तहानात की तैयारी में मशगूल हैं, चंद लम्हे तफरी के लिए टेलीविजन पर बजाय फिल्म देखने के लिए, इमाम ज़मा का पैगाम सुनने के लिए इसको टेलीविजन के सामने आई हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अहम तरीन वक्त में अपने इम्तिहानात को याद कीजिए, और उनको वसीला बनाइए अपनी कामयाबियों के लिए, कि जिन्होंने कभी किसी को मायूस नहीं किया। आजकल इम्तिहानात जारी हैं, वादा कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आज इस वक्त, आज ही से, अभी से 14 पाउंड, सिर्फ 14 पाउंड महाना, जो आपके अपने जेब खर्च का अशरे शेर भी नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा भी 5-10 पाउंड तकरीबन रोज़ खर्च कर देता है, 60-70 पाउंड वीकली जेब खर्च मिलना या उसका खर्च करना किसी एक तालिब इल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सिर्फ महीने के 14 पाउंड जो पूरे हफ्ते के अंदर, यानी पूरे एक महीने के 4 हफ्ते, 4 हफ्ते को
14 से तकसीम कर लें तो 2-3 पाउंड बनते हैं, मगर इन 2-3 पाउंडों में आप अपनी हमेशा की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। उसका आप अपने लिए मोहब्बतें और उसका साथ और उसकी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं कि जिसकी आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कोई इम्तिहान इम्तिहान नहीं रहता। जनाब क़िबला जी, मैं गुजारिश ये करूँगा कि अब काफ़ी रात हो गई है, यकीनन बहुत सारे लोग शायद आराम भी कर रहे हों, और कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, क्योंकि हम आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि हमारी ये जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं वो पे ऑफ नहीं हो जाती। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने सस्पेंशन नोटिस भेज दिया और खुदा न खास्ता ये आवाज़ बंद हो गई, तो हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि सिर्फ हम कसूरवार नहीं हैं, बल्कि जितने भी इस वक्त अपील में शरीक होकर सुनकर खामोश रहे वो सारे के सारे लोग ज़िम्मेदार होंगे कि जिन्होंने इसकी मदद नहीं की। मुझे तो यकीन है कि आप लोग ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे, कल भी अपील होगी और कल भी इंशाल्लाह आपसे इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश मतलब अपील की जाएगी और आपसे गुजारिश की जाएगी। और तकरीबन 3000 कुछ जो है ना अब तक आज के दिन जो है ना आपने अता किया है, तो फिर मज़ीद हमें 19000 की ज़रूरत होगी, और 19000 के लिए कल हम सुबह हिदायत से लेके ही अपील का सिलसिला जारी रखेंगे और आप तमाम से गुजारिश करेंगे कि आप उसमें हिस्सा लें। और किसी सूरत भी अगर आप ख़ुद दे चुके हैं, मेंबर हों, मेंबर भी हैं और टीवी देख रहे हैं, और आपका कोई अज़ीज़ टीवी नहीं देख रहा हो, तो फौरन फ़ोन करें, उनको भी आज की इस अपील में शरीक करें और उनको भी मेंबर बनाएं। ये एक सब की ज़िम्मेदारी है और हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी करे और उस ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह मुस्तान हम मेरा ख़्याल है के वाइंड अप करते हैं आज के लिए, लेकिन कल लगातार सुबह हिदायत से ही इंशाल्लाह अपील का सिलसिला जारी हो जाएगा और हमारी इस अपील पर आप लोग यकीनन लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह। जी क़िबला, बहुत शुक्रिया। मोमिनों और मोमिनात, आज इस प्रोग्राम में जिन अहबाब ने हिस्सा लिया और हमको दुआ के लिए कहा, मैं उनके नाम ले रहा हूं और उसके बाद आपसे गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा आप इन तमाम अहबाब के लिए दुआ कर दीजिएगा। आज जनाब हमारे कनाडा से इरशाद फातिमा थी, वो गुलाम दस्तगीर साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी बेगम के लिए कहा और ये भी वादा किया कि वो 14 पाउंड माहाना भी दिया करेंगे। उसके अलावा भी वादा किया उन्होंने मोहम्मद अदरीस जो उनके ससुर है, ताज बीबी, नवाब बीबी और मलक दोस्त मोहम्मद के लिए। इसके अलावा कमर नकवी पाकिस्तान से, फ़कीर हुसैन साहब, फ़कीर हुसैन नकवी साहब, सैयद हसन सलाव से, ग़ुलाम दस्तगीर अभी बात कर चुका हूँ, बशीर काजमी साहब, आयशा बहन जर्मनी से थी, और उसके बाद खातून काजमी लिवरपूल से थी, मिसिस फजल वाटफोर्ड से थी, यूसुफ जर्मनी से थे, रबाब मैनचेस्टर से थी, जहीर अब्बास ब्रैडफोर्ड से, और पेटरब्रो से एक बहन थी, उन्होंने 100 पाउंड दिए मगर नाम नहीं बताया। इजाज़ कर बलाई साहब ने दोबारा आज शिरकत की, उससे पहले वो मैजर साहब के वहाँ अपील में पैसा दे चुके हैं। सैयद अली साहब थे, मिसिस खालिद शरीफ स्वीडन साहब से थे, मोहम्मद हुसैन और सना हैदर, आप सब इनके लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने 500 कर दिए, शरीफ साहब भी, सना दुआ कर दीजिए और हम आज की इस महफिल को जी अल्लाह इन तमाम की शरी हाजात को पूरा फरमाए, इलाही आमीन, इनकी हर परेशानी को दूर फरमाए, इलाही आमीन। परदिगार आज सैयद सज्जाद की विलादत का दिन था और ये हसीन लम्हात और ये अजीम रातें और ये अजीम दिन, परदिगारा माह शाबान की तमाम खुशियों का तुझे वास्ता है। हमारे हिदायत टीवी की मदद करने वाले हर मोमिन और मोमिना को के दामन को खुशियों से भर दे, उनके तमाम मरहूमिन मरहूमात की मगफरत फरमा, उनके बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक करा दे, उनके बच्चों पर उनका साया कायम व दायम रख और उनके बच्चों को तरक्की की हर राह पर चला दे। परवरदिगारा हम सब को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम इमाम असर के बारगाह में सुरखरू हो सकें और हमसे इमाम को कभी भी दुख न पहुंचे, ये कोशिश हम सब करें। और इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है कि परवरदिगार जिन मोमिनीन व मोमिनात को अब तक तौफीक नहीं हुई है कि इस मिशन में हिस्सा लें, उन मोमिनीन व मोमिनात को परवरदिगार
اے پروردگار کے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے اور دلوں پر اثر انداز ہے، اے معبود حقیقی، اے مؤثر ذات، اے مسبب الاسباب، ان تمام مومنین و مومنات کو توفیق دے کہ کل انشاءاللہ وہ اس مشن میں حصہ لے اور اس اپیل میں حصہ لے کر ہماری یہ جو ہدایت ٹی وی کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا، امام کے اس عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما، اور اس ہدایت ٹی وی کے چراغ کو امام کے ظہور تک روشن فرما، اور اس چراغ کو امام کے ظہور تک جاری و ساری رہنے اور ہدایت کے نور کو بکھیرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پرچم ہدایت کو پروردگار سنبھال کے رکھنا اور امام عصر کے حوالے ہم کر سکے، یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ناظرات، مومن و مومنات، آج کی اپیل اس وقت ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ ہدایت ٹی وی کی اور امام زمان کی مدد کرتے رہیں گے تاکہ کل امام زمان سے آپ اور ہم مدد حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔